ब्रॉक लेसनर ने छोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई को, निकल गए घर और कब लौटेंगे? कोडी वर्सेस रोमन रेंस के बड़े हैं चांसेस, सेथ रॉलिंस होंगे नेक्स्ट मैडॉन का पार्ट, और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप। WHG आज की वीडियो काफी धांस होने वाली, इसके अंदर दोस्तों हम WWE से जुड़े बहुत सारे अपडेट्स कवर करने वाले हैं। तो इस बिग अपडेट वीडियो को दोस्तों शुरू में थम्स अप दे दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों मंडे नाइट रॉ इस बार की जो खत्म हुई, रेटिंग हम लोगों के सामने आ चुकी है, और आज की पहली अपडेट हमारी रेटिंग से जुड़ी है। तो गाइस बम्पर रेटिंग आई है, आज की जो रेटिंग हम लोगों के सामने आई है रॉ की, गाइस बताते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग आई है 2.1 मिलियन, दो मिलियन के आंकड़े को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने पार कर लिया है। और बताया ये जा रहा है कि ऐसा हुआ है 4 जनवरी की रॉ के बाद, 4 जनवरी 2021 में इतनी बड़ी रेटिंग आई थी, और उसके बाद ठीक है एक साल बाद दोस्तों इतनी अच्छी रेटिंग आई है। श्रेय जाता है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड रिटर्निंग कोडी रोड्स को। तो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया बड़ी हिट साबित हुई है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने फिन बैलर से। तो गाइस विंस रूसो की माने WWE फिन बैलर के साथ बहुत गलत कर रही है। तो गाइस सब लोग जानते हैं फिन बैलर बहुत अच्छे सुपरस्टार है, उनके साथ WWE जो ये गलत कर रही है आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। फिन बैलर दोस्तों हमारे US चैंपियन है और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन होने के नाते उन्हें मैचेस जीतने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, लगभग 2 महीने से लगातार मैचेस हार रहे हैं। लगभग 3 मैचेस तो मुझे याद है ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ ही उन्होंने हार दिए हैं। और विंस रूसो ने चीज कही है कि अगर चैंपियन बनाना था किसी ऐसे बंदे को बनाते जिसे जीतता हुआ दिखाते, और अगर फिन बैलर की अच्छी बुकिंग करनी है तो भाई उसे जिताओ, वो चैंपियन है, और अगर फिन बैलर को नहीं जिताना था तो चैंपियन क्यों ही बनाया। तो गाइस फिन बैलर की बहुत बैड बुकिंग चल रही है, होप करते हैं विंस मैकमैन को थोड़ी समझ आए और फिन बैलर को अच्छे मैचेस में पुट करे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने अलायस से। तो अलायस का दोस्तों रिबूट हो गया, सबने देखा मंडे नाइट रॉ में इजिकल नाम के बंदे बनकर आ रखे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं वाकई में वो यंगर ब्रदर है अलायस के, कोई नया बंदा है? तो जवाब है दोस्तों जी नहीं, वो अलायस ही है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वालों ने रिबूट किया और इतने गंदे तरीके से रिबूट किया कि आप मुझसे पूछे ना। जो अलायस था दोस्तों उसके बाद करेक्टर था, ऐसा लगता था कि ये बंदा जो है आगे जाके वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, क्योंकि दोस्तों लोग उनके साथ थे। हील होने के बावजूद दोस्तों लोग कहते थे वॉक विद अलायस, लेकिन ये जो बंदा है काफी जेनरिक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे कि आप गेम में कैरेक्टर नहीं बिल्ड करते हैं शुरू में, बस ये वैसा लग रहा है, और इजिकल मेरे हिसाब से एक बड़ा फ्लॉप साबित होगा। हालांकि सब कुछ विंस मैकमैन पर आधारित, तो कैसे इस कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अलायस के साथ काफी बड़ी ज्यादती हुई है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय बताएगा, तो चलते हैं इसे अगली बड़ी अपडेट के ऊपर। गाइस बेली जो है वो हमें काफी समय से नहीं दिखाई दे रही है WWE के अंदर। मैंने आपको बताया भी था कि उनका रिटर्न पॉसिबल है रेसलमेनिया में, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। बट आपको बताना चाहूंगा रेसलमेनिया में ही थी। बेली ने दोस्तों एक पिक शेयर की है और ये दोस्तों ऑडियंस में उनकी, और उन्होंने एक साइन पकड़ रखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है शेना इज द वर्स्ट, यानी कि शेना के खिलाफ उन्होंने साइन पकड़ रखा था, और डेलस टेक्सस में थी। एस पर रिपोर्ट बताया जा रहा है कि WWE के प्लान्स थे कि उन्हें बैकी लिंच का ओपोनेंट बनकर उतारा जाए रेसलमेनिया में, लेकिन ये जो प्लान्स थे स्क्रैप्ट हो गए और उसके बाद बेली को कोई भी स्टोरी लाइन नहीं मिली। हालांकि दोस्तों बेली को देखा गया है डेलस टेक्सस में और उन्होंने उसकी तस्वीर भी शेयर की है। तो होप करते हैं जल्द बेली हमें दिखाई दे, ये चीज भी हो सकती है कि नेक्स्ट मैडोर में। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है दोस्तों स्मैकडाउन से ही। स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों एक बड़े सुपरस्टार को फीचर किया जा रहा है, और इससे दोस्तों क्वेश्चन मार्क उठ चुका है कि सेथ रॉलिंस आगे क्या करने वाले हैं। मिलवॉकी में दोस्तों होने वाली 8 अप्रैल की फ्राइडे नाइट सेथ रॉलिंस को दोस्तों फीचर किया जा रहा है, और ये एक्सक्लूसिव न्यूज है। सेथ रॉलिंस मिलवॉकी के लिए दोस्तों बुक्ड हो चुके हैं, क्यों हो चुके मैं नहीं जानता। हो सकता है कि जहां लोग प्रयास लगा रहे हैं कि ये बंदा ओपोनेंट होगा, वो बंदा ओपोनेंट होगा ट्राइबल चीफ का, सेथ रॉलिंस आकर अपने ब्रदर को चैलेंज कर दे, क्योंकि रोमन रेंस ने सभी को तो हराया, लेकिन सेथ रॉलिंस पर अभी भी वो जीरो ही है। और गाइस आपको याद होगा कि क्या कुछ हुआ था जब आखिरी बार उनका इनकाउंटर हुआ था, रोमन रेंस ने खुद को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था। चलते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की ओर। इससे अगली बड़ी अपडेट जुड़ी हुई है,
हमारी मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने से। तो गाइस मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर गई और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस का फिर से एक होना। तो ये राइवल थे पहले, लेकिन दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि जैसे ही रॉ ऑफ एयर गई रोमन रेंस का प्रोमो खत्म हुआ, रोमन रेंस जो आते हैं और रैप के ऊपर केविन ओवेंस दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है दोनों भिड़ जाएंगे। केविन ओवेंस ने दोस्तों शायद से उनसे अपॉलॉजी मांगी जो उनके कंधे पर रोमन रेंस ने हाथ रखा। रोमन रेंस ने कहा कि चल कोई बात नहीं, पास में जो कुछ वास हुआ तुझे गुड लक है तेरे मैच के लिए। केविन ओवेंस रिंग के अंदर गए और उसके बाद हमें देख रहे बोला बंपर मैच जो कि था कोडी वर्सेस ओवेंस। इस मैच के अंदर दोस्तों द रॉक की मां भी इंडल्ज हुई है, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि रिंग साइड पर कोडी रोड्स ने असिस्टेंस ली द रॉक की मां की, और उसके बाद दोस्तों अंदर में उन्होंने केविन ओवेंस की मां बहन कर दी। केविन ओवेंस को लगाया दोस्तों उन्होंने क्रैश रोड्स 1, 2 और 3, और इस तरीके से कोडी की यहां जीत हुई। कोडी ने दोस्तों इस मैच के बाद ट्वीट भी किया है जिसके अंदर उन्होंने ये चीज लिखी है कि उन्हें मामा की असिस्टेंस चाहिए थी और इसलिए उन्होंने द रॉक की मां का वहां यूज किया। द रॉक की मां रेसलिंग फैन है और गाइज रिंग साइड पर आती रहती है। तो गाइज यहाँ डब्ल्यू वाले काफी अच्छे मैचेस पुट कर रहे हैं रॉ के बाद, रॉ के अंदर तो नहीं दिखा रहे हैं। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी बैकी लिंच से। तो आपको याद होगा कल बियांका ने प्रोमो में क्या कहा, नहीं याद है तो आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैं डिटेल में मंडे नाइट रॉ डिस्कस करता हूँ। वहां दोस्तों बियांका ने कहा था कि अब बैकी के लिए पास समय है और वो घर पर बैठ के सोच सकती है क्या सही हुआ क्या गलत हुआ और खुद के बारे में निरीक्षण कर सकती है। निरीक्षण किया बैकी ने, आज दोस्तों ट्वीट किया है लिखिए ग्रेटनेस, यानी कि बैकी लिंच को कोई भी शर्म नहीं है, बैकी लिंच को कोई भी दुख नहीं है कि उनकी हार हुई है, अभी भी खुद को वो ग्रेट मानती है और अपनी ग्लोरी को उन्होंने ग्रेटनेस कह के संबोधित किया है। तो बैकी में वाकई में दोस्तों ग्रेट है। बताया जा रहा है कुछ समय के लिए डब्ल्यू का पार्ट नहीं होने वाली, वो छुट्टी पर है, लेकिन जब भी लौटेगी तबाही जरूर लाएगी। बियांका ब्लेयर उन्हें कम मांग रही है। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। पर इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज भी है वो है गाइज हमारे अपने एमवीपी एंड लैशली से जुड़ी हुई। तो गाइज एमवीपी एंड लैशली का ब्रेकअप हो गया कल दोस्तों। ओमोस का साथ निभा दिया, ओमोस के साथ हो गया एमवीपी, अपने भाई को धोखा दे दिया। बॉबी लैशली को लात जड़ी, थप्पड़ भी जड़ा। सवाल उठता है एमवीपी ने ऐसा क्यों किया। तो गाइज सवाल उठा गया था और डब्ल्यू वालों ने सवाल उठाया था, एमवीपी ने लिखा बजट कट। अब आप बोलेंगे बजट कट कैसा भाई, तो यहां दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा एमवीपी भी जानते हैं चीज कि उनके बिना बॉबी लैशली ने ओमोस को हरा दिया रेसलमेनिया में, और इसी चीज का उन्हें गुस्सा था कि मेरे बिना आखिर इसने ये चीज कैसे पॉसिबल कर दी, और इसीलिए उन्होंने धोखा दे दिया इस बार की मंडे नाइट रॉ में। और यही कुछ उनका कहना भी है कि मैंने अपने में से तेरा बजट कट कर दिया बेटे और इसीलिए तुझे अलग कर दिया। तो काफी गलत हुआ है दोस्तों लैशली के साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखते आगे लैशली दोस्तों कैसे इन चीजों को हैंडल करते हैं। हम चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। वाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड ट्राइबल चीफ के नेक्स्ट मूव से। तो बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं रोमन रेंस का क्या अगला ओपोनेंट ब्रॉक लेसनर होगा या फिर कोई और। सबसे पहले तो इसी को डिस्कस कर लेता हूं। वाइज ब्रॉक लेसनर नहीं होने वाले रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट। एज पर रिपोर्ट्स दो बंदे ऐसे हैं जो कि रोमन रेंस को अगली स्मैकडाउन के अंदर कन्फ्रंट कर सकते हैं। सबसे पहले कोडी रोड्स। कोडी रोड्स ने दोस्तों मंडे नाइट रॉ के अंदर साफ कर दिया है कि वो आ रखे हैं चैंपियन बनने, जिसका मतलब साफ है कि सीधे सीधे डब्ल्यू वाले उन्हें मेन इवेंट पिक्चर में डाल रहे हैं और वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को आकर चैलेंज कर सकते हैं स्मैकडाउन में। हो सकता है कि कोडी वहां आए, हो सकता है कि कोडी ये चीज कहे कि पिताजी का सपना तुझे हरा कर ही पूरा होगा और वहां इनका मैच बन जाए। दूसरे बड़े सुपरस्टार है दोस्तों ड्रू मैकइंटायर। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है ड्रू मैकइंटायर जो कि दोस्तों अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल दोस्तों अलग हो चुके हैं कॉर्बिन से, राइवलरी उनकी खत्म हो चुकी है, वो रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं। रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर का मैच दोस्तों साल की शुरुआत से बताया जा रहा है कि बन सकता है, और ऐसे में दोस्तों ड्रू मैकइंटायर के कोडी से थोड़े से ज्यादा चांसेस रहेंगे। और इस बार की फ्राइडे नाइट में हो सकता है तलवार लेकर आए ड्रू मैकइंटायर और बोले अब तू कटा। तो यहां दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों सुपरस्टार्स हैं जो कि हो सकते हैं रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट। रही बात लेसनर की, लेसनर नंबर 3 पर आते हैं और लेसनर पर अपडेट आपको मैं दे देता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे लेसनर की, लेसनर के साथ क्या हुआ। तो गाइस मंडे नाइट रॉ का वो हिस्सा नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, ना ही वो बैक स्टेज थे। उन्हें दोस्तों उन्हें उनके घर भेज दिया गया था कनाडा। वो दोस्तों फ्लाइट पकड़कर कनाडा चले गए थे, लीव कर दिया था दोस्तों उन्होंने एरिना को। और गाइस बात की जाए अब लेसनर के रिटर्न की, तो गाइस बताया जा रहा है कि जो बैकलैश होने वाली है जो कि दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलने वाली है मई में, उसके लिए दोस्तों लेसनर को काफी बड़े तरीके से एडवर्टाइज किया गया है। और गाइस 8 मई को जो ये होने वाली है इसके अंदर टिकट्स भी उनके नाम से ही बेची जा रही है,
और गाइस ब्रॉक लेसनर को वहां काफी ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि वो बैकलैश का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन गाइस, लेकिन वो कब आएंगे इस पर दोस्तों कोई भी सूचना नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो लौटते हैं तो 29th of April को लौट सकते हैं, क्योंकि उस दिन स्मैकडाउन होगी और ठीक दो हफ्ते पहले होगी। ये चीज भी हो सकती है कि 25th of April को आ जाए रॉ में, क्योंकि अब ये नहीं पता कि वो किस चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले। तो 25 और 29 तारीख को आपको दोनों शोज देखने हैं। रही बात दोस्तों हमारे अपने ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर पर मुझे क्या लगता है, मुझे दोस्तों पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर वो मैच में नहीं है रोमन के खिलाफ, तो गाइस वहां उनकी एक बड़ी इंटरफेरेंस हो सकती है। ब्रॉक लेसनर ऐसे बंदे नहीं है जो कि अपने ओपोनेंट को खुला छोड़ देंगे, जाने देंगे। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने काफी गलत किया उनके साथ, काफी बुरे तरीके से उन्हें हराया है। वहां दोस्तों चैंपियनशिप बेल्ट का भी यूज किया, लोगों का भी यूज किया है, पॉल हेमन का भी साथ आया, और ब्रॉक लेसनर दोस्तों इस जाति का बदला जरूर लेंगे। और मुझे क्या लगता है बैकलैश के अंदर उनकी बड़ी इंटरफेरेंस हो सकती है ट्राइबल चीफ के मैच के अंदर। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये राय पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आज की इतनी थी, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंत से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शपक है।